नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैं हूं अविरल और मैं लेकर आया हूं आज के लिए वो खबर जिसका सभी को इंतजार था। जी हां, आज हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक होनी थी जिसमें कोरोना कर्फ्यू को लेकर, बंदिशों को लेकर बड़े फैसले आने थे। आज वह मीटिंग फाइनल हो चुकी है। काफी लंबी मीटिंग चली, 3 घंटे की अंतराल की इस मीटिंग के बाद काफी फैसले कोरोना कर्फ्यू को लेकर सीएम जयराम ठाकुर में कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। उससे पहले सभी से विनती है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश में होनी थी जिसका अहम फैसले कोरोना कर्फ्यू को लेकर आने थे। वह बैठक अभी समाप्त हो चुकी है जिसके अहम फैसले आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं सभी फैसलों के बारे में बातें। दोस्तों, कैबिनेट बैठक में सबसे अहम फैसला कोरोना कर्फ्यू की अवधि को लेकर लिया गया है, जिसमें सभी जिलों के उपायुक्तों यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डीसी को, सभी डीसी को यह अथॉरिटी दे दी गई है कि वह अपने जिलों के अनुकूल, अपने जिलों के स्थिति के अनुकूल सख्ती, पाबंदी और अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, सभी डीसी को यह अथॉरिटी दे दी गई है कि वह अपने जिलों के समय के अनुकूल, अपने जिलों की स्थिति के अनुकूल ही आगे की अवधि को बढ़ा सकते हैं। वह चाहे तो कोरोना कर्फ्यू पे सख्ती कर सकते हैं और वह चाहे तो ढील कर सकते हैं, लेकिन अभी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। आने वाले जो भी दिशा निर्देश होंगे जिलों के डीसीओ के, वो हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। अभी शिमला जिले की अगर हम बात करें तो शिमला जिले की स्थिति जैसे पहली थी कोरोना कर्फ्यू को लेकर, वही दिशा निर्देश रहेंगे। यह फैसला सीएम जयराम ठाकुर ने आज कैबिनेट बैठक में ले लिया है और सभी उपायुक्तों को यह अथॉरिटी दे दी गई है। इसके अलावा आज बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। जी हाँ, अब बात करेंगे बाजारों की। बाजारों को शनिवार व रविवार को पूर्ण रूप से बंद करने का पहले से ही सीएम जयराम ठाकुर द्वारा आदेश दिए गए थे कि, लेकिन शनिवार और इतवार को बाकी दुकानें बंद रहेंगी, केवल सब्जी, दूध, दही आदि की दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा ढाबा, होटल, मेडिकल स्टोर, सब्जी आदि की दुकानों को छूट दे दी गई है। बाकी की समय अवधि वैसे ही रहेगी जैसे पूर्व में कोरोना कर्फ्यू के अधीन रही थी। बाकी की अवधि यानी कि समय अवधि वही रहेगी जो बाजारों के खुलने का समय था। केवल शनिवार और रविवार को समस्त दुकानें बाकी बंद रहेंगी, कोई भी इसमें छूट नहीं दी गई है। जैसे कि आपको खबर में हमने बताया था कि टूरिस्ट को शिमला आने का, हिमाचल आने के द्वार खोल दिए हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को भारी संख्या में सैलानी नीचे से आते हैं और उनको माल रोड या अधिक स्थानों पर दुकानें खुली नहीं मिलती हैं। उस चीज को देखते हुए कैबिनेट बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, उस पर अभी पाबंदी है। शनिवार इतवार को बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी, केवल दूध, दही, सब्जी, ढाबा, होटल और मेडिकल स्टोर ही खुल सकते हैं। यह छूट केवल सैलानियों को देखते हुए ही दी है। तीसरा अहम फैसला लिया गया है वैक्सीन को लेकर। वैक्सीन को लेकर सरकारों द्वारा केंद्र से आदेश पहले ही दे दिए गए हैं कि सभी सरकारें अपनी वैक्सीन खरीदकर अपनी जनता को लगवा सकती हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश ने अहम फैसला लिया है कि सभी 18 से 44 वालों को वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। 44 से अधिक आयु वालों को पहले से ही वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही थी, अब 18 से 44 वालों की उम्र को भी वैक्सीन मुफ्त में ही लगाई जाएगी। कैबिनेट बैठक में हुई चर्चा पर कोविड पेशेंट को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। कोविड पेशेंट जो आइसोलेशन में हैं, अपने घर में आइसोलेट हैं, उनको डोर टू डोर घर पर ही कोविड किट पहुंचाई जाएगी। कैबिनेट में अनुबंध करने वाले नियमित 3 वर्ष से कार्य कर रहे लगातार कर्मचारियों को रेगुलर करने का भी अहम फैसला ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यह है बहुत बड़ी खबर कि कैबिनेट में आज यह फैसला लिया है कि जो पिछले 3 वर्ष से लगातार निविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको परमानेंट करने के लिए मोहर लगा दी है। और इसके अलावा 5 साल से पूरा करने वाले रेगुलर कर्मचारियों को भी रेगुलर करने के लिए मोहर लगा दी है, बट उनके लिए उपलब्ध पद होने की जरूरत है। यह सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि दैनिक भोगी करने वाले कर्मचारियों को भी रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन उनके लिए पदों की उपलब्धता होनी जरूरी है। मेडिकल कॉलेजों को भी कोविड सेंटरों पर निगरानी रखने के लिए सभी अधिकारियों को भी आदेश दे दिए गए हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला फैसला लिया है कि बाजारों का समय वही रहेगा, केवल शनिवार और रविवार को
बाकी दुकानें नहीं खुलेंगी, जरूरी चीजों की दुकानें जैसे होटल, मेडिकल स्टोर, ढाबा, दूध दही पनीर, सब्जी आदि की दुकानों के लिए छूट दे दी गई है। बाकी का समय अवधि वैसे ही रहेगा। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू की अवधि, समय या बाकी चीजों को चेंज करने की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डीसी, उपायुक्तों को दे दी गई है। वो अपनी जनता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार अपने जिलों में कोरोना की अवधि या समय अवधि को घटा बढ़ा सकेंगे, जिसके लिए उन्हें सरकार से परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। और तीसरा फैसला वैक्सीन को लेकर कि 18 से 44 वाली आयु के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के। तो ये थी आज कैबिनेट बैठक के कुछ अहम फैसले जो सीएम जयराम ठाकुर द्वारा कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। इसके अलावा कोई भी फैसला अहम नहीं लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें वैसे ही रहेंगी जैसे था। और इसके अलावा सैलानियों को अगर बॉर्डर से आना है तो उन्हें ई पास रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए घूमोजी प्रेजेंट्स द हिंदी टीवी।